नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितिन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबर चिन्नौर से। चिन्नौर हिंगलाज माता मंदिर वाली में रहवासियों तक 3 माह से नहीं पहुंच रहा है। वहीं नालों में पानी, ऐसी भीषण गर्मी में रहवासी पानी के लिए हो रहे हैं परेशान। ग्राम पंचायत इस ओर नहीं दे रही है कोई ध्यान। तब मोहल्ले वाले खुली नल के बाल को ठीक करने लगे। वहीं इधर वाथव मोहल्ले में भी नल जल सप्लाई करने वाली मोटर 2 दिन से फूकी हुई है। वहीं केदार चौहान, लाखन परिहार, प्रभु सेन ने मीडिया को बताया है। ग्राम पंचायत ने मोटर को बाहर निकलवा कर भरवाने के लिए दुकान पर डलवा दिया है। वहीं सुधार कर शाम तक आते ही डलवा दी जाएगी, नल चालू करवा दिया जाएगा। ये थी चिन्नौर से ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। आप देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। बाल किशन कुशवा, इसको किस लिए खोद रहे हो? इसलिए खोद रहे हैं कि बाल शौक है। इसकी शिकायत भी गई, बाल को ठीक करने के लिए कोई आया नहीं, इसलिए इसको शिकायत की पंचायत में शिकायत की। और 25 नलों में पानी 2 महीने से आ नहीं रहा, इसलिए खुद खोद कर इसको दिखाने की कोशिश कर करके पानी की थोड़ा। आप सेमी अपनी तरफ से खुद रहे हो? हाँ, सेमी अपनी या ग्राम पंचायत खुदवा? नहीं, ग्राम पंचायत नहीं खुदवा रही है। हम पूरे 25 नल वाले इकट्ठे होकर चंदा करके या कुछ करके इसकी व्यवस्थाएं करेंगे। मैं बारा सिंह कुशवाहा, सरपंच ग्राम पंचायत चिन्नौर। आज चिन्नौर में जो भी बाल बना रहे हैं ग्रामीण, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। और ग्रामीण अपने स्तर पर बाल बना लेते तो फिर कोई ग्राम पंचायत, कोई पीएचई के आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन लोगों को अपने अपने तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं। बिल गांव में इतना उधार है कि पूरे गांव के यदि बिल ईमानदारी से दे दें पानी का 60 रुपये पर महीने के हिसाब से, तो गांव की पूरी सुविधाएँ दुरुस्त हो जाएँ, पानी की सुविधा पूरी दुरुस्त हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। फिर भी हमने पीएचई के अधिकारियों से इसका सर्वे करवा के और सीओ साहब से मांग की है, वो बाल जल्दी से आ जाते हैं, उनको हम लोग अपने तरीके से सही करवा देंगे। और रही बात बाथम मोहल्ले की, तो बाथम मोहल्ले की डीपी कल फूक गई थी, और वो मोटर कल फूक गई थी, कल ही हमने उसको निकलवा ली और निकलवा के हमने उसको कल ही डलवा दी, और आज शाम तक वो भर के कल पानी सप्लाई होने लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।